1 2 3 1 2 3 चेक चेक माइक टेस्टिंग चेक कूल। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं माइक रिलेटेड हर एक वो बारीक बारीक चीजें जो एक बिगिनर को जानने के लिए काफी जरूरी हो जाती है। मैं कोई भी टेक्निकल वर्ड्स यूज नहीं करूंगा, बहुत ही आम भाषा में आपको चीजें बताने वाला हूं। और यहां पे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, टोटल मिला के 6 अमेजिंग माइक्स, अलग अलग तरीके के माइक्स मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में। साउंड कैसी होती है उनकी वो मैं आपको बताने वाला हूं रिकॉर्ड करके। तो हर एक चीज के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो मिस मत करना। हेलो एवरीवन, मैं हूं अखिल पैसा वैसा से, और अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखा हुआ है कर लेना। और मैं आपका स्वागत करता हूं इन एपिसोड 6 ऑफ हाउ टू ग्रो ऑन यूट्यूब। और जिस चीज के बारे में इस वीडियो में बात होगी वो ये होगा कि व्हाट आर द बेस्ट माइक्स फॉर डूइंग यूट्यूब वीडियोस। उस चीज को बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करूंगा। सबसे पहला माइक जिस पे मैं एक्चुअली मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं, जो कि है ये वायरलेस वाला माइक जो दिखता है कुछ इस तरीके से आपको। अगर आप लोगों को इस तरीके का माइक यूज करना है तो ऑफकोर्स इसमें जो फायदा होता है वो ये होता है कि एक जो पार्ट है इसमें होता क्या है कि एक ट्रांसमीटर होता है, एक रिसीवर होता है। अब जो रिसीवर है वो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लगा रखा है, आप देख सकते हैं ये है इसका रिसीवर जो ऑलरेडी यहाँ पे कैमरा के साथ में साइड में लगा हुआ है। तो इसका फायदा ये हो जाता है कि मतलब आप वायरलेसली ना ऑडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं। वहां पे लग गया आपका रिसीवर, मेरे पास में ट्रांसमीटर एक लगा हुआ है, एक और मेरे पास में है। तो ये जो सेट था ये दो ट्रांसमीटर और एक रिसीवर वाला सेट था। नॉर्मली अगर आप चाहें तो आप एक एक करके भी ले सकते हैं। इसमें अगर आप डिस्टेंस पे भी होते हैं अपने कैमरा से तो भी ऑडियो में कोई भी चेंज नहीं होता है। मतलब जितनी तरीके से ऑडियो आपको अभी आ रही जिस क्वालिटी में जितने वॉल्यूम में उतना ही आएगा। तो लगभग 50-60 फीट तक तो आराम से आप रिकॉर्ड कर सकते हो। ये काफी फायदेमंद तब होता है जब मान लो स्पेशली, वैसे इंडोर्स भी काफी फायदेमंद है। इसका एक्स्ट्रा बेनिफिट ये होता है कि मान लो अगर आप आउटडोर शूट कर रहे हो, थोड़े से दूर हैं आप जहां पे कैमरा आपका रखा हुआ है वहां से, फिर भी अगर आप चीजों को रिकॉर्ड करना चाहते हैं बिना किसी ऑडियो के लैप्स के तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। इसका जो प्राइस है ये होगा लगभग 15-16 हज़ार के आसपास जहां तक मुझे पता है। पर इस तरीके के माइक बजट में भी आते हैं। बाय द वे आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में काफी सारे बजट माइक के जो लिंक्स हैं वो मैं दे दूंगा, जो मुझे लगता है पर्सनली कि काफी सही रहेंगे एक बिगनर के लिए। मैं आपको इस वाले सेक्शन के बाद में बताने वाला हूं कि आपको एक्चुअली में सही तरीके से माइक कैसे चूज करना है ताकि आपके लिए और ईजी हो जाएगा। बिफोर एमएस मैं आपको ये बता दूं कि भाई गिव अवे जो है हमारा, जिसमें एक माइक है वायरलेस माइक है इस तरीके का और एक ट्राइपॉड होगा बेसिक, उनका गिव अवे चल रहा है। तो अगर आप उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आपको इस वीडियो को लाइक करना है और इस वीडियो में कमेंट करना है। और जो भी वीडियोस हैं इस सीरीज के उनको जाके लाइक कर देना, कमेंट कर देना, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सब्सक्राइब करोगे नहीं करोगे दैट इज टोटली अप टू यू। अगर लगता है चैनल पे आपको यूजफुल वीडियोस मिलते हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, नहीं करना चाहो मत करना, कंपल्शन नहीं है। जो दूसरा माइक है हमारा वो है ये रोड का माइक, जो कि है एक्चुअली में वीडियो माइक गो। ये लगभग 8 या 10 हज़ार के आसपास का माइक है। नॉर्मली इसको शॉटगन माइक बोला जाता है। इस माइक का फायदा यह है कि ये ना एक तरीके से आवाज हर तरीके से पिक करता है, पर जो एकदम सामने जो इंसान बोल रहा होता है उसकी आवाज ज्यादा पिक होती है, यानी कि नॉइज भी रिकॉर्ड होती है जो काफी कम होती है। जो मैंने आपको पहले वायरलेस माइक बताया था उसमें अगर आप यूज करेंगे तो भी उसमें नॉइज हल्की हल्की रिकॉर्ड होती है बाहर भी, पर इन कंपैरिजन टू दिस वन आपको काफी कम वहां पे नॉइज रिकॉर्ड होती भी नजर आती है। तो ये जो है इसके भी बजट माइक काफी सारे आते हैं और इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो कैसी है वो आपको ऑलरेडी पता लग गया। जो हमारा नेक्स्ट माइक है वो है ये, जो कि है जूम का H1। ये लगभग 7,000-8,000 के आसपास का माइक है। इसका H1N अपग्रेड होके मॉडल आ चुका है। इसका फायदा यह है कि एक वायरलेस रिकॉर्डर होता है, मतलब आपको इसमें फाइल रिकॉर्ड करने के बाद में उस फाइल को अलग से एडिट करके अपने वीडियो के साथ में सिंक करना पड़ता है। साउंड कर रहा होगा ऐसा कि भाई बहुत टेक्निकल प्रोसेस है, पर टेंशन लेने की बात नहीं है। मैं एडिटिंग रिलेटेड हर एक चीज के बारे में एक सेपरेट वीडियो करने वाला हूं जहां पर आपको पता लगेगा अगर आपको अपनी जो भी वॉइस को जो आप रिकॉर्ड करते हैं उसको एडिट करना है तो कैसे कर सकते हैं बहुत ही फास्ट, बहुत ही फ्रीक्वेंटली। और उसी के साथ में अगर इस तरीके का आप रिकॉर्डर यूज करते हैं तो इसको उसमें जाके सिंक कैसे करना है उस चीज के बारे में भी डिटेल में बात करूंगा। तो उस वाले वीडियो के लिए डेफिनेटली थोड़ी सी एनर्जी भी बचा के रख लेना। फिलहाल के लिए तो इनके बारे में सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं। इस तरीके की माइक भी आपको काफी बजट में भी मिल जाते हैं, 3,000-4,000 के आसपास भी मिल जाते हैं, जो काफी कंफर्टेबल होता है आपके लिए करना। इसमें फायदा यह है कि आप कहीं भी खड़े हुए हों, कितने भी दूर खड़े हुए हों, आप इसको अपने पास में रख सकते हैं और इससे अपना काम चला सकते हैं, विच इज वेरी वेरी सिंपल। इसी के बाद में मुझे एक चीज़ और याद आती है, जो अगला माइक है हमारा वो है इस तरीके का माइक, जो मुझे पक्का पता है कि आप लोगों ने काफी बार देखा होगा। एक बार ये देख लेते हैं कि इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है। हाँ जी, तो जो आपको अभी आवाज़ आ रही है वो आ रही है इस वाले माइक से। इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि ये हर तरीके से नॉइज को पिक करता है और अगर आप भीड़ भाड़ में बोल रहे हैं तो बहुत टफ हो जाता है आपके लिए एकदम क्लियर अपनी वॉइस को रखना। फायदा यह है कि बहुत ही कम बजट में आपको मिल जाता है। ये जो है शायद ये 200-250 रुपए के आसपास का माइक होगा, मुझे नहीं पता कौन से ब्रांड का है, शायद JJC कंपनी का है।
पर ये जो है फिलहाल के लिए, अगर आपने नोटिस करा होगा, अगर आपने हेडफोन लगा रखे हैं, आपको लग रहा है कि भाई आपका हेडफोन खराब हो गया, खराब नहीं हुआ इसका, ये जो है ये होता है एक्चुअली में मोनोमाइक, यानी कि आपको अगर आप हेडफोन लगाते हैं तो आपको एक ही साइड से सुनाई देगा, एक ही कान से। इससे रिकॉर्डेड ऑडियो को आपको एडिट करना पड़ता है, जो बहुत ही कम टाइम में हो जाता है, पर ऑफ कोर्स आपको एडिट करना पड़ेगा। तो कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे आगे जो हमारा एपिसोड होगा, जो एडिटिंग रिलेटेड होगा ऑडियो की, वहां पे मैं हर चीज़ बताने वाला हूं। पर इसका फायदा और नुकसान आपको ऑलरेडी पता लग चुका है। अगर आप चाहें तो इसी माइक को, इस वाले लेवलियम माइक को आप इसके साथ में भी कनेक्ट कर सकते हैं। जब आप इसके साथ में कनेक्ट करते हैं तो इसकी क्वालिटी डेफिनेटली काफ़ी बढ़ जाती है, जो आपके लिए और बेहतर हो जाती है चीज़ों को करना। जो नॉर्मली क्या करता है कि इसका जो पोर्टेबल वाला जो नेचर है वो हम रखते हुए इसको हम यूज़ कर सकते हैं, तो इसको हम पॉकेट में रख लेंगे और इसको हमारे कॉलर पर लगा लेंगे और जो भी हम बोलेंगे वो अच्छे से रिकॉर्ड हो जाएगा, बहुत अच्छी क्वालिटी में, जो जैसा ये रिकॉर्ड करेगा वैसा ही रिकॉर्ड होगा, जो काफ़ी अमेजिंग होता है। मैंने काफ़ी टाइम तक इन दोनों के कॉम्बिनेशन को यूज़ किया हुआ है अपने स्टार्टिंग के यूट्यूब के करियर में। बाहर भी जब आउटडोर शूट करता था तो मैं इसी तरीके से यूज़ करता था। एक ड्रॉबैक ये है कि इसमें बैटरी लगती है, जो काफ़ी ट्रबलसम हो जाता है कभी कभी, क्योंकि कई बार जब बैटरी चली जाती है, एक्स्ट्रा बैटरीज नहीं होती है, तो आपका काम ठप। अब जो हमारा नेक्स्ट माइक है वो है ये ब्लू का यती। आप लोगों ने ये माइक काफी बार काफी सारे वीडियोस में देखा होगा, मेरे वीडियोस में भी देखा होगा, काफी सारे अदर यूट्यूबर्स के वीडियोस में भी देखा होगा। काफी पॉपुलर माइक है, वन ऑफ माय फेवरेट माइक्स, ऑलमोस्ट 6-7 साल पुराना है, लगभग 16-17 हज़ार के आसपास का माइक है, या शायद 10-11 हज़ार के आसपास है, आई टोटली फॉरगॉट द प्राइस। काफ़ी सालों पहले ख़रीदा था और मैंने ये एक्चुअली में इंपोर्ट करवाया था बाहर से, उस टाइम पे इंडिया में मिलता भी नहीं था। इसका फ़ायदा ये है कि आपके पास में सेटिंग्स में काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं, अगर आप चाहें कि आपको आसपास का जो नॉइस है या बैकग्राउंड जो वॉइस है वो भी आपको पिक करनी है तो आप यहाँ पे कुछ चेंजेस कर सकते हैं। कितनी तेज़ आवाज़ चाहिए, कितनी कम चाहिए, वो आप एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ पे। और ये जो अभी आपको आवाज़ आ रही है डेफिनेटली अनएडिटेड है, अगर आप एडिट करेंगे तो और बेहतर हो जाती है चीज़ें, तो वो भी आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। इसका फ़ायदा ये है कि अगर आप स्टूडियो के अंदर बैठ के शूट कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी, साउंड क्वालिटी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, पर बड़ा ड्रॉबैक ये है कि आप इसको बाहर लेके जाके शूट नहीं कर सकते। हाँ, सबसे बड़ा फायदा ये बता दूं कि इसमें जो आप वॉइस रिकॉर्ड करेंगे ये एक्चुअली में जाएगी आपके कंप्यूटर पर या लैपटॉप पर, क्योंकि ये यूएसबी माइक है, यानी कि इसमें जो वायर आपको ये नज़र आ रहा है ये आपके कंप्यूटर से कनेक्ट होता है, यूएसबी लगती है, वहाँ पे आप अलग से रिकॉर्ड करते हैं उस चीज़ को, फिर बाद में आपको उस ऑडियो को अपने वीडियो में मर्ज करना होता है। अब कैसे करते हैं वो ऑफ कोर्स पे जो मैंने आपको बताया कि मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, बट दिस इज हाउ यू डू इट। दिस इज एन अमेजिंग माइक इफ इन केस यू आर समवन हु इज इन टू गेमिंग या फिर मे बी से नॉर्मल जो टॉकिंग वाले वीडियोज होते हैं उन सभी में। सो दिस इज अबाउट दिस माइक। नेक्स्ट जो माइक है वो है रोड का एंटी यूएसबी, जो अगेन एक यूएसबी माइक है, पॉडकास्टिंग में नॉर्मली काफी यूज करते हैं, काफी गेमर यूज करते हैं, काफी लोगों के सेटअप है, आपने देखा होगा ये माइक। अगेन वन ऑफ माई फेवरेट माइक्स, जो मैं पहले काफ़ी यूज़ करता था पर काफ़ी टाइम से यूज़ नहीं कर रहा हूँ, पर इस वीडियो को करने के लिए मैंने इसको अपनी पेटी से निकाला बाहर, तो दिस इज एक्चुअली रियली गुड। प्राइस लगभग 26,000 के आसपास, 23,000 के आसपास, काफ़ी अमेजिंग माइक है, काफ़ी प्रोफेशनल माइक है, वन ऑफ दी अमेजिंग माइक्स मेरे हिसाब से एक यूट्यूबर के लिए। और बजट माइक डेफिनेटली नहीं है, पर अगर आप गेमिंग में हैं या फिर अगर आप पॉडकास्टिंग करते हैं तो काफ़ी वर्सेटाइल माइक हो जाएगा। यहाँ पे भी आपके पास में काफ़ी सारे सेटिंग्स करने के लिए ऑप्शन होते हैं, और ये जो चीज़ आपको दिख रही है इसको बोला जाता है पॉप फिल्टर। जब भी आप फक करके जो एक्स्ट्रा जो वो निकल के आती है ना, आप फक करके जो फट्टी है उसको ये किल कर देता है, जो एक्स्ट्रा आवाज़ें होती है तो उसको ये पॉप, जो एक्स्ट्रा पॉप्स होते हैं उसको फिल्टर कर देता है, इस वजह से पॉप फिल्टर बोला जाता है। वैसे बाकी माइक के लिए भी एक्स्ट्रा फिल्टर्स आते हैं, पॉप फिल्टर्स आते हैं, जो आप लगाना चाहें लगा सकते हैं, बट दिस इज अबाउट दिस माइक। हाँ जी, तो ये थे 6 माइक जिनके बारे में मैं आपको क्विकली बताना चाहता था, ताकि आप लोगों के लिए थोड़ा सा ईजी हो जाए समझना कि भाई कौन सा माइक किस तरीके से साउंड करता है, कैसा दिखता है, किस प्राइस में होता है। आपको डेफिनेटली इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में काफी सारे बजट माइक के जो मेरे रिकमेंडेशंस हैं वो मैं शेयर कर दूंगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो डेफिनेटली आप जाके चेक कर सकते हैं, खरीदना चाहें खरीद सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपको एक्चुअली में माइक चूज कैसे करना होता है। देखो, यहाँ पे ना मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, मैं बहुत ज्यादा टेक्निकल फैक्टर्स के बारे में अगेन बात नहीं करूंगा, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ हर एक बिगनर से जो यहाँ पे है, और आप लोगों को बहुत ज्यादा टेक्निकल जार्गन्स के बारे में जानने की फिलहाल के लिए जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे जो पैरामीटर होगा सबसे पहला वो होगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बजट। अगर हमारा बजट है 500 और अगर हम चाहते हैं इस तरीके का माइक, तो शायद वो पॉसिबल नहीं होगा, इनफैक्ट वो पॉसिबल होगा ही नहीं। तो आपको अपने बजट के हिसाब से सोचना होगा कि भाई क्या फिट कर सकता है, तो उस बजट के हिसाब से ये जो लैवलियर माइक्स होते हैं ये काफ़ी सही होते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स हमको हमारे बजट को रेस्पेक्ट करना होता है, हम बिना फालतू में बिना रीजन से कुछ भी खर्चा नहीं करेंगे। एंड आई रियली वुड नॉट रिकमेंड यू कि भाई ठीक है आप ऐसे करो, पर मेरा ऑनेस्ट सजेशन यही रहेगा कि अगर आप कोई चीज़ सबसे पहले अपग्रेड करते हैं
तो सबसे पहली चीज़ होनी चाहिए वीडियो अपग्रेड करना नहीं, आपको अपग्रेड करना है अपने ऑडियो को, क्योंकि मेरे हिसाब से वीडियो से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ऑडियो। वीडियो वैसे भी अगर आप नॉर्मल कुछ भी कैसे भी मैनेज कर लेते हैं रिकॉर्ड करना फ़ोन से, दैट इज़ गुड इनफ, पर अगर आपकी ऑडियो क्लियर होती है दैट विल गिव यू अ ह्यूज एडवांटेज ओवर अ लॉट ऑफ अदर पीपल। अच्छे से साउंड करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वहीं पे जो दूसरा पैरामीटर वो ये होगा कि आप किस तरीके के वीडियोज़ रिकॉर्ड कर रहे हैं। अगर आपको घर के अंदर बैठ के शांति से रिकॉर्ड करना है तो आपके लिए शायद एक लैवेलियर माइक काफ़ी रहेगा, पर अगर आपको बाहर जाके वीडियोज़ रिकॉर्ड करने तो लैवेलियर माइक आपके लिए बेस्ट फिट नहीं होगा। आपको डेफिनेटली कुछ ऐसा माइक चाहिए होगा जिसमें आपको नॉइज़ की जो रिकॉर्डिंग है वो थोड़ी कम हो पाए, जैसे कि कोई वायरलेस माइक हो या फिर मे बी से इवन इस तरीके का माइक आपके लिए काफ़ी सही रहेगा जो आपको 1500-2000 में भी मिल जाता है। पर जब भी लेना मेरा सजेशन रहेगा, अगर आप उस चीज़ की ऑडियो की टेस्टिंग चेक कर सकते हैं, रिव्यू चेक कर सकते हैं, तो ज़रूर करिएगा। किस तरीके से साउंड करता है, कैसा आउटपुट है, वो चीज़ें जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिर्फ प्राइस के ऊपर डिपेंड करना और उठा के ले आना और बाद में रिग्रेट करना विल बी अ वेस्ट ऑफ मनी। तो ये हो गया आपका दूसरा पैरामीटर। तीसरा पैरामीटर ये होगा कि आपको नॉइस के कैसे ट्रीटमेंट करना है, यानी कि मान लो कि जैसे मैं अभी जो बैठा हुआ हूँ फिलहाल के लिए इस रूम में शांति है, आसपास कोई नॉइस नहीं है, पर इस तरीके की चीज़ें हर किसी के साथ में नहीं होती। काफ़ी सारे लोग मार्केट के आसपास रहते हैं जहाँ पे गाड़ियों की आवाज़ या फिर कंस्ट्रक्शन की आवाज़ रेगुलरली आती रहती है, अगर उन केस में अगर आपने ऐसा माइक यूज़ किया जो बैकग्राउंड नॉइज़ को भी पिक करता है तो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इस वजह से आपको अगर जब माइक अपग्रेड करना है तो आपको तो ऐसा करना पड़ेगा जो नॉइज़ को रिकॉर्ड नहीं करेगा। और ये जो तीन पैरामीटर्स हैं मेरे हिसाब से दे आर गुड इनफ। इसके अलावा आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है जानने की, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेक्निकल घुसोगे तो कन्फ्यूज़ हो जाओगे, और इस वीडियो में सिर्फ यही चीज़ें शेयर करना चाहता था। मैं अगेन बता दूं, अगर आपको कुछ बजट माइक के रिकमेंडेशन चाहिए जो मैं पर्सनली आपको रिकमेंड करूंगा वो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा हूं, तो जाके आप लिंक देख सकते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मैं आपको मिलूंगा एपिसोड नंबर 7 में कल सुबह 10:45 पर। और इतना ध्यान रखना कि सब्सक्राइब नहीं कराया तो कर लेना, और बाकी टेक केयर।